जिला मुख्यालय पर शासन स्तर पर करीब 561 शिक्षकों की नव नियुक्ति की गई है। इन शिक्षकों में 264 ऐसे हैं जो अब भी नियुक्ति पाने के लिए काउंसलिंग की राह देख रहे हैं। इन शिक्षकों को नियुक्ति के लिए 15 अप्रैल को काउंसलिंग की गई थी, लेकिन जिले के बजाय दो ब्लॉकों में नियुक्ति देने पर आपत्ति के बाद काउंसलिंग निरस्त कर दी गई, जिसके बाद दोबारा काउंसलिंग कर नियुक्ति पाने के लिए अब ये नव नियुक्त शिक्षक सहायक आयुक्त कार्यालय आदिवासी विकास विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। काउंसलिंग में हो रही देरी से नाराज होकर बुधवार को भी बड़ी संख्या में ये शिक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां सहायक आयुक्त ने मुलाकात कर वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सर डेट के ऊपर डेट दे रहे हैं, फिक्स एक डेट दे दे तो हम उसी डेट को आए, परेशान भी हो रहे हैं। किस मांग को लेकर आज यहाँ पहुँचे? सर हम नवनियुक्त शिक्षक हैं और हमारी मांग ये थी कि जो काउंसलिंग 15 तारीख को हुई थी वो स्थगित हो गई थी, तो उसमें किस कारण डिले हो रहा है इसलिए आए थे, वो मांग थी हमारी। नवनियुक्त आप एसी साहब से मिले क्या? आसपास में मिला? एसी साहब उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और उन्होंने मतलब उनके स्तर पर भोपाल में मार्गदर्शन मांगा है, तो वहाँ से लिखित में कुछ आदेश आने वाले हैं। जैसे ही आदेश आएंगे उसके एक या दो दिन के बाद हमारे नव नियुक्तों की काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कितने दिन का आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जब भी आ जाएगा, ऐसे फिक्स डेट तो नहीं बताई है उन्होंने। उन्होंने भोपाल से मार्गदर्शन मांगा है और मार्गदर्शन अगर कल आता है तो आज से कर देंगे ऐसा है, और अगर उसके लिए थोड़ा समय लगता है फिर भी पॉसिबल उन्होंने बोला है कि मई माह के अंतर्गत आपकी हो जाएगी। शिक्षक हैं आप? हम 264 शिक्षक थे अतिशेष के अंतर्गत जो कि यहाँ डाले गए थे, जबकि हम नवनियुक्त हैं फिर भी हमें अतिशेष बता दिया गया, पता नहीं कैसे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जल्दी ही आप लोगों को नई नियुक्ति या नई संस्था अलॉटमेंट की जाएगी। आगामी क्या रूपरेखा बनाए, क्या कहेंगे आप? आगामी रूपरेखा यह है कि हमारे सीनियर है, जैसा भी इन्होंने बोला है उसको हम फॉलो करते हैं, फिर भी अगर कुछ होता है तो फिर उसके बाद सारे शिक्षक इकट्ठे होकर योजना बना के कुछ और ज्ञापन देके योजना बनाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश राठौर है। जिस तरीके से उस टाइम पर आपकी काउंसलिंग वगैरह हुई थी और फिर काउंसलिंग रेस्ट की गई थी, हाँ, इसमें कोई राजनीतिक फंडा तो नहीं नजर आ रहा जिसमें? नहीं सर, आपके अंदर ऐसा हो रहा है शायद, क्योंकि जो राजनीति फंडा हम नहीं कह सकते हैं, एक्चुअल में जो बताया गया है कि एक आकांक्षा योजना चलती है, उस आकांक्षा योजना के अंतर्गत जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है वहां पर मतलब पहले शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि यहां पर रैंक से सारे पास हुए थे और शिक्षकों की भर्तियां हो रही है, अभी सेकेंड काउंसलिंग भी आएगी, तो जिसकी जो रैंक बन रही है उसको जो स्कूल अलाटमेंट हो रहा है और अगर वहाँ पर पहले से अगर अतिशेष में वो आ रहा है तो फिर उसके आसपास जो स्कूल खाली है वहाँ पर उसके रैंक के अनुसार जो जिस रैंक में आ रहा है उसको वो संस्था मिलनी चाहिए, हमारी मांग थी। अब इनको भी ये था कि जहाँ खाली है और जहाँ शिक्षक विहीन है वहाँ पहले शिक्षक पहुँचाया जाए, ये भी इनकी वाजिब मांग है क्योंकि उनको भी पढ़ने का अधिकार है। अब चूँकि यहाँ से मार्गदर्शन वहाँ पहुँचाया गया है, हमने भी बोला है कि अभी शिक्षक प्रक्रिया चल रही है, माननीय सरकार शिक्षकों की भर्ती कंटिन्यू कर रही है, तो अभी सेकेंड काउंसलिंग में और भी शिक्षक आएंगे, तो इन्होंने बोला है यहाँ पर संबंधित संस्था से हमें पता चला है कि अब पूरे ही ब्लॉक और पूरे ही खरगोन की संस्थाएं खोली जाएगी और उन पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। नाम है आपका? राजेश राठौर। ये आगामी दिनों में क्या मांग? इसमें जो भर्ती में शिक्षकों की नियुक्ति हुई यहाँ पे, तो उसमें कुछ शिक्षकों का पदस्थापना ऐसे स्थान पर हुआ है जहाँ पर पद पहले से भरे हुए थे, तो जिसमें हमारे द्वारा उन स्थानों को चिन्हित किया गया कि कहाँ पर पद भरे हुए हैं और नियुक्ति हो गई, उस आधार पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई है वहाँ पर, उन बच्चों की हमारे द्वारा काउंसलिंग फिर से कराई जा रही है। और इसके संबंध में वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन भी मांगा गया है और काउंसलिंग की डेट जल्दी हमारे द्वारा ली जाएगी और उस पर बच्चों की काउंसलिंग करा के इनको पदस्थ संस्थाओं के लिए भेजा जाएगा। इसमें एक कार्रवाई हमारी 5-7 दिन में हो जाना चाहिए। लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, इस संबंध में उनको बता दिया गया है, उनसे बात भी की, चर्चा भी कर ली थी लोगों से, बताया गया है कि जब भी डेट इसकी फिक्स की है आपको हम बाकायदा समय रहते आपको अवगत कराएंगे और उसकी तिथि और स्थान आपको बताया जाएगा। कितने चयनित हुए ऐसे शिक्षक हैं जो रहेंगे? ये करीब यहाँ पे 225 के आसपास है। आगामी दिनों इनकी नियुक्ति इनको?
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।